Good morning, students. Now we will learn the what is meant by accuracy and the precision. Actually, when we go through the dictionary, we will find that meaning of these two terms are nearly same. But in physics, there is a slight difference between these two terms. So let us see what is the difference between the accuracy and the precision. Accuracy means the measured value, how close the measured value is to the true value. A true value quantity है, means हमने कोई length नापा था पहले, जो true value थी, जैसे किसी भी length का जो true value का मतलब क्या होता है, एक fixed कि speed of sound is equal to इतना, फिर हमने experiment किया, फिर हमने देखा कि हमने जो measure किया, वो उस value से कितना close था, या कितना accurate था, तो इसको कहा जाता है accuracy. लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो मीन्स वो एक्यूरेट उतना नहीं है. प्रिसिशन का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट, कि किस लिमिट तक वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. जैसे आता है क्वेश्चन कि प्रिसिशन डिस्क्राइब्स द लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. प्रिसिशन डिस्क्राइब्स द लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. इसको समझे जरा ऐसे, देखो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है, या स्पेरोमीटर, वो आएगा 0.001 सेंटीमीटर. देखो जितना कम से कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा. स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज इट इज. सो हियर दिस इंस्ट्रूमेंट यानी स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन द वर्नियर कैलिपर्स. जैसे समझे कि मेरे पास एक और कोई स्क्रू गेज है, कोई स्क्रू गेज है दूसरा, और जिसका लिस्ट काउंट है सपोज 0.001 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे कि ये वाला जो स्क्रू गेज है दिस इज मोर प्रिसाइज देन दिस वन. ओके, तो अब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि प्रिसिशन का मीनिंग क्या होता है. जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा वो प्रिसाइज होगा. एक और एग्जांपल से समझते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, जैसे ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड लेंथ, ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड लेंथ, ठीक है, कितना आया, 3.678 सेंटीमीटर. ओके, ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड लेंथ कितना आया, 3.678 सेंटीमीटर. मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट वन, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू. ओके, सो द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वन इज हाउ मच, लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, एंड लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इज 0.01 सेंटीमीटर. दोनों का लीस्ट काउंट अलग अलग है दोनों इंस्ट्रूमेंट का. फिर मैंने जो लेंथ नापा इंस्ट्रूमेंट वन से वो आया मेजर्ड लेंथ 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले जब इंस्ट्रूमेंट से जब लेंथ नापा तो वो आया 3.38 सेंटीमीटर. ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन का. तो इन दोनों रीडिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, इन दोनों रीडिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेट फर्स्ट रीडिंग है. क्यों, मेजर्ड वैल्यू इज वेरी मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. देखो यहाँ पर 3.5 है जो कि नियरली इसके बराबर है, लेकिन 3.38 काफी दूर है. तो क्या बोलेंगे कि दिस रीडिंग इज मोर एक्यूरेट, दिस रीडिंग इज मोर एक्यूरेट, बट
less precise. ओके इस रीडिंग में देखिए इसका लिस्ट काउंट और इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट कम है तो क्या बोलेंगे, दिस इज मोर सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग इज मोर प्रिसाइज, सेकेंड रीडिंग इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन द accuracy and the precision. Okay, thank you.